को वंदे मातरम। मैं उदयपुर से जयश्री अग्रवाल अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली परसों रात में मुझे कान में काफ़ी तेज पेन हुआ, तो रात में हुआ तो मैंने भैया जी को कांटेक्ट नहीं करा, उनका कहाँ परेशान करो इतनी रात को। तो मैं अपने आप से ही कुछ कर रही थी, इसमें तेल वेल डाला, थोड़ा ऑडियो भैया जी के जो चैनल पे ऑडियो डले हुए हैं, तो जो सरसों का तेल था बनाने का था, जिसमें अजवाइन और लहसुन का जो तेल था वो मैंने अपने कान में डाल दिया। एक बार डाला, फिर दोबारा भी डाला, बाकी मुझे काफ़ी तेज पेन हो रहा था। मतलब मेरा कान का दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, मतलब सिर में भी होने लगा, फिर मेरे गले में भी होने लगा दर्द, दांत में भी दर्द आ गया। मतलब इतना ज़्यादा कान में दर्द था, उसकी वजह से सब दूर दर्द हो रहा था, ये गले में, सिर में और दांत में भी। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने तेल तो डाल लिया था, फिर साथ में मैंने थोड़ी सिकाई भी करी। सारी रात हो गई मुझे जगते जगते, और सब यही करते करते, कभी तेल डाल रही हूँ, कभी सिकाई कर रही हूँ, अधिकतर तो सिकाई कर रही थी मैं, बस सिकाई कर रही थी। मैं कल सुबह जल्दी हो और मैं भैया जी से इलाज पूछूँ फिर उसके बाद। तो फिर सुबह हुई, फिर मैंने भैया जी से इलाज पूछा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ। तो भैया जी ने मुझे प्याज का रस, दो बूंद प्याज का रस नाक में डालने के लिए कहा, तो मैंने वैसा ही करा। तो जैसे ही मैंने प्याज का रस अपने नाक में डाला, तो एकदम से मेरी जो बंद नाक थी वो खुल गई, और मेरे सर का दर्द 10-15 मिनट में ठीक हो गया। वो कान में तो वही तेल डालना था, और बार बार डालना था एक्चुअल में वो, थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो मैंने थोड़ी थोड़ी देर में डाला। और साथ में सौंठ और गुड़ की गोली बना के ऊपर से गर्म पानी पीना था, तो वो मैंने 2-3-4 बार करा, उससे 4-5 बार करा, और बार बार तेल भी डाला कान में, तो उससे मुझे एक दिन में आराम पड़ गया। और अब मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा सर्दी सा लग रहा है, बाकी मैं गोविंद भैया जी के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का।